टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ जनपद अध्यक्ष के चुनाव में चल रहा है बड़ा घमासान। लगभग 4 घंटे बीतने वाले हैं, जनपद सदस्य की जोड़ तोड़ चल रही है। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही अपना अपना अध्यक्ष बनाने की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। बलदेवगढ़ जनपद अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता हजारों की संख्या में बलदेवगढ़ ब्लॉक के नजदीक बैठी हुई है, तो वहीं जनता अपने नेता को जिताना चाहती है। भारी पुलिस बल के साथ लगातार SDM जनपद अध्यक्ष के चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ विवाद की स्थिति ना बने उसे देखते हुए अन्यथा ने व जिला से अधिक पुलिस बल बुलाया गया है। कांग्रेस की ओर से श्रीमती उज्ज्वला रविंद्र सिंह बुंदेला उम्मीदवार है, तो वहीं जनपद अध्यक्ष के लिए वहीं भाजपा की ओर से श्रीमती जयश्री यादव मैदान में है। भाजपा व कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला की बहू है, तो वहीं भाजपा की ओर से क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी अपने समर्थक को जनपद अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी के भतीजे हैं। बलदेवगढ़ से दीपक कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। अरे बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा है सर, वो प्रेस करोगे तो ठीक नहीं है। क्या हुआ? चलो मोबाइल वोबाइल मत लेके जाना मैडम, मोबाइल नहीं मिलना चाहिए किसी को। मोबाइल वहाँ फिर से मेला कर क्या नाम दादा? गंगाराम। ठीक है बस के मारे दिखा दे। पकड़न लगे है तो मैं जाए कहीं पकड़न लगे बस के मारे दिखा दे। पकड़न लगे है तो मैं जाए कहीं पकड़न लगे Subscribe now.
and press the bell icon. Never miss an update.